हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हारू को लाइब्रेरी के कॉर्नर में वही रेड फ्लावर गिरा हुआ मिलता है और फिर वो उसी फ्लावर के स्केच को देखता है जो कि वॉल पर दानों के स्केच के पास स्थित है। हारू वही सोचता हुआ जा रहा था तभी उसे हॉलवे में दानों मिलती है, पर दानों उसे इग्नोर करके जाने लगती है। हारू उसे उसका नेम लेकर बुलाता है। दानों हारू से कहती है, तुम मुझे होप नहीं दो कि मैं तुम्हें रिमेम्बर हूँ, और चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दो वह सीक्रेट बुक का एक सीन रीड करता है कि क्योंग दानों को लाइक नहीं करता, बस वो उसका यूज कर रहा है। दो वह क्योंग से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। क्योंग कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, राइटर ही मुझसे ये करवाना चाहता है, मुझे ये करना ही पड़ेगा भले ही मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तब भी दो वह उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो अपने कॉमिक कैरेक्टर से जो अपनी फियांसे को धोखा दे रहा है। क्योंग कहता है, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, पर अब मुझे किसी के लिए स्टोरी चेंज करनी है। लगता है क्योंग दानों के लिए स्टोरी चेंज करना चाहता है। देन क्योंग किचन में जाकर मीचे को बताता है कि वो सेल्फ अवेयर हो गया, पर मीचे के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि उसे क्योंग के सेल्फ अवेयर होने के बारे में पहले ही पता चल गया था। देन साइंस क्लास में दानों हारू को ही देख रही थी, पर हारू उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता। पर जब क्लास से क्योंग चला जाता है तो हारू नोटिस करता है कि दानों से जार ओपन नहीं हो रहा, तो वो उसके पास जाकर जार ओपन करता है और दानों से कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। पर दानों कहती है, तुम मुझे होप नहीं दो कि तुम ओल्ड हारू हो। तभी क्योंग वापस क्लासरूम में आता है और हारू से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर हारू उसे इस बात का आंसर नहीं देता और कहता है, तुम दानों का ध्यान रखो। वेल, अब तो हारू ने भी अपना ओन फीमेल बेस बना लिया है। स्कूल की काफी गर्ल्स उसे लाइक करने लगी हैं, पर हारू को गर्ल्स के बीच देखकर दानों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हारू को इग्नोर करने का डिसीजन लेती है। इवन जब मीचे हारू को गर्ल्स के साथ देखता है तो सोचता है कि सेल्फ अवेयर होना अच्छा है राइटर के कंट्रोल से। तभी पेज टर्निंग साउंड आती है और मीचे अपनी स्टेज पर पहुंच जाता है, जहां वो नामजू की मॉम से टकरा जाता है, जिससे उनका फोन गिर जाता है। मीचे उनसे सॉरी कहता है, पर वो मीचे पर गुस्सा नहीं होती। देन क्लासरूम में गर्ल्स जुदा को अगेन बुली करती हैं। इस बार वो उसके बैग पर नोट्स स्टिक कर देती हैं। वो गर्ल्स उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। तभी क्लासरूम में नामजू आता है और वो नोट्स पुल करता है और पूछता है, ये किसने किया। पर वो इस सब के लिए ब्लेम सेमी को करता है और फिर जुदा को क्लास से ले जाने लगता है। जुदा सेमी की साइड स्माइल करती है और नामजू के साथ चली जाती है। फिर हॉलवे में पहुंचकर जुदा नामजू को थैंक्स कहती है हेल्प करने के लिए, पर वो उससे ये भी कहती है कि वो उसे सिंपैथी दिखाना बंद कर दे, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। और जुदा उससे कहती है, तुम्हारी सिंपैथी मुझे होप देती है, पर मैं हर्ट होना नहीं चाहती। फ्रस्ट्रेटेड नामजू जुदा का हाथ पकड़ता है और उसे मीडिया रूम में ले जाता है अपनी सिंसियरिटी प्रूफ करने के लिए। इधर दोवा सोचता है कि दानो हारू की मेमोरी वापस लाने के लिए वही सब कुछ कर रही है जो उसने तब किया था जब वो नंबर 13 था, जिससे हारू वापस अपने ओल्ड शेल्फ में आ जाए। पर दानो कहती है, मैं अब कुछ भी नहीं करूंगी। तभी अनदर स्टेज स्टार्ट होती है। क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स मीडिया रूम से नामजू की वॉइस सुनते हैं। नामजू अनाउंस करता है कि अब से यो जुदा ही उसके लिए ओनली गर्ल है। ये वही सेम लाइंस हैं जो वो अपनी बर्थडे पार्टी में जुदा से कहने वाला था। दोवा और दानो ये बात समझ जाते हैं कि स्टोरी वैसे ही रहेगी जैसे राइटर चाहता है। वो स्टोरी को चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी कर लें। देन क्योंग दानो से स्कूल ब्रिज पर मिलता है और वो समझ जाता है कि नामजू ने वही सेम लाइंस कही जो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में कहनी थी, और दानो से कहता है, स्टोरी बिल्कुल प्लान तरह से चल रही है, पर फिर भी अगर तुम स्टोरी चेंज करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दानो उससे कहती है, हारू स्टेज के टाइम फ्रीली मूव कर सकता है, इसलिए तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते मेरे फेट को चेंज करने में, और इस वजह से दानो स्टोरी चेंज करने पर गिव अप कर देती है। अंदर हॉलवे में हारू मीचे से टकरा जाता है, जिससे मीचे का बॉक्स गिर जाता है जो वो कैरी किए हुए था। हारू उसकी हेल्प करता है थिंग्स उठाने में। तभी वो फ्लावर बुक देखता है।
पर मीचे उससे जल्दी से वो बुक छुड़ा लेता है और चला जाता है। देन लाइब्रेरी में हारू दानू के पास जाकर बैठता है, जिससे दानू को अच्छा नहीं लगता। तो हारू अपनी सीट चेंज कर लेता है और दानू की साइड देखकर सोचता है कि क्यों दानू हमेशा मेरे माइंड में रहती है। और फिर वो लाइब्रेरी में ही सो जाता है। उसे ड्रीम आता है और उसकी ड्रीम में हम वही जोसियन इरा के लोग देखते हैं जो ब्लैक होल में देखे थे। दानू लाइब्रेरी में होती है और जब वो हाई सेल्फ से बुक ले रही थी तो वो गिरने लगती है, पर हारू उसे गिरने से बचा लेता है। प्रेजेंट में हारू जाग जाता है और वो सेल्फ में अनदर बुक लेने चाहता है। वहाँ दानू भी होती है और सेम वही होता है जो उसने ड्रीम में देखा था। दानू हाई सेल्फ से बुक लेने की वजह से गिरने लगती है और हारू उसे बचा लेता है। देन पेज टर्निंग साउंड आती है और दानू स्टेज के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। डॉक्टर ली दानू से कहते हैं कि अब वो उसके लिए कुछ न्यू मेडिसिन भी ऐड कर रहे हैं, पर वो मेडिसिन ऐड करने को मना करती है, जिससे उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं। दानू अपने डैड से सॉरी कहती है और प्रॉमिस करती है अपनी मेडिसिन लेने की, और अपने डैड से कहती है कि आप मेरी विश पूरी कर दो, मैं मैरिज करना चाहती हूँ एज सून एज पॉसिबल। और ये कहते ही स्टेज एंड होती है और दानू अपने डैड से कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, मैं अभी मैरिज नहीं करना चाहती, पर उसके डैड उसे हक कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्यों दानू के घर जाता है उसे स्कूल के लिए लेने। दानू सरप्राइज होती है क्योंकि ये स्टेज नहीं है। क्योंग रूम में दानू और अपनी चाइल्डहुड की फोटो देखता है और उसे याद आता है कि बचपन में दानू अपनी मेडिसिन लेना पसंद नहीं करती थी, इसलिए क्योंग उसे मेडिसिन खिलाने के लिए सिंड्रेला की गॉड मदर के वर्ड्स कहता था, बीबीदी बाबीदी पो, और ये सुनते ही दानू मेडिसिन खा लेती थी। दानू कहती है ये सब सेटअप था, पर क्योंग कहता है भले ही वो सेटअप था पर मुझे सब याद है। ये जानकर दानू को अच्छा लगता है क्योंकि किसी को तो वो स्टोरी के बाहर याद है। फिर दानू क्योंग से कहती है मैं अब इस वर्ल्ड को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी जैसा ये है, और मैं हारू को भी भूलने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर दानू स्कूल के लिए निकल जाती है। देन क्लास में हारू दानू को ही देखता रहता है और फिर उसे अगेन ड्रीम और पास्ट फ्लैशबैक दिखता है। इस टाइम वो जोशियो ने राखी मार्केट प्लेस पर होता है। मार्केट में वो ब्यूटीफुल रेड फ्लावर का ऑर्नामेंट देखता है। इससे पहले उसने उसी मार्केट में दानू को भी उसी रेड फ्लावर ऑर्नामेंट को देखते हुए देखा था, और वो बैंडर हारू से कहता है इस फ्लावर का मीनिंग है इवन इफ द वर्ल्ड फॉल्स अपार्ट एंड द अर्थ स्प्लिट्स आई विल वेट फॉर यू। देन हारू जाग जाता है और क्योंग उसके पास आकर उससे प्रैक्टिस के लिए चलने को कहता है। हारू क्योंग के बैग पर दानू का दिया हुआ कीचेन देखता है। क्योंग उससे कहता है ये मुझे दानू ने दिया। हारू पूछता है इस फ्लावर का मीनिंग क्या है। क्योंग कहता है तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। हारू कहता है क्योंकि मैंने ये फ्लावर अपने ड्रीम में देखा, और ये कहकर हारू चला जाता है। पर इससे क्योंग की टेंशन बढ़ जाती है। उसने सेम यही फ्लावर्स की स्केचेस हारू की स्केचबुक में देखे थे। और एपिसोड 15 यही एंड होता है।